मिस्ट्रीज और फैक्ट जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें इल्यूजन इंडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस सदी में इंसान ने विज्ञान की मदद से आसमान छू ली है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनका जवाब ना इंसान दे सकता है ना विज्ञान। ऐसी ही एक रहस्यमय घटना यूनाइटेड किंगडम में घटी थी, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। थर्स्ट म्यूजियम में रखी एक कुर्सी पर किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस कुर्सी में बैठने वाला हर व्यक्ति एक या दो दिनों में ही मर जाता है। क्या यह सच है? क्या इस चीज की कोई सबूत है? आखिर ये कुर्सी थी किसकी और कितने लोग इस कुर्सी का शिकार बने हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हो इल्यूजन इंडिया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात है 1702 की। थॉमस बस्बी नाम का एक व्यक्ति अपने ससुर डैनियल ऑटी के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाने का गैरकानूनी धंधा करता था। एक दिन पैसों के बंटवारों को लेकर डैनियल और थॉमस के बीच एक लड़ाई हुई। लड़ते वक्त दोनों शराब के नशे में धुन थे। तब गुस्से में आकर डैनियल थॉमस की कुर्सी पर बैठ जाता है। दोस्तों, थॉमस को अपने इस कुर्सी से काफी लगाव था। वो इस बात का काफी ध्यान रखता था कि उस कुर्सी पर उसके अलावा कोई और ना बैठे। डैनियल जब थॉमस के कुर्सी पर बैठ गया, तब थॉमस ने डैनियल की जान ही ले ली थी। नकली सिक्कों के अलावा थॉमस और भी गैरकानूनी काम करता था, और अब तो उसने अपने ही ससुर की जान भी ले ली थी। इसलिए थॉमस बस्बी को जल्द ही फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी देते वक्त जब थॉमस को अपनी आखिरी इच्छा पूछी गई, तब उसने ये कहा कि वो आखिरी बार अपने उस पसंदीदा कुर्सी पर बैठना चाहता है, और पुलिस ने उसकी उस आखिरी इच्छा को भी पूरा किया। लेकिन थॉमस ने जब आखिरी बार उस कुर्सी पर बैठा, तब उसने सबके सामने ये श्राप दे दिया कि उसके मरने के बाद जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा, उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद थॉमस को फांसी दी गई। उस दिन वहां बैठे लोगों ने थॉमस के इस श्राप को नजरअंदाज कर दिया था। इस घटने के बाद थॉमस के उस कुर्सी को उसके घर पे ही रखा गया था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उस घर में काम करने वाली एक नौकरानी थक कर उस कुर्सी पर बैठ गई, और उसी दिन उस नौकरानी की मौत हो गई। थॉमस के घर वालों ने इस घटने को एक इत्तेफाक समझ लिया था। कुछ दिनों बाद एक कारपेंटर थॉमस के घर आता है, तब वो भी थॉमस के उस कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके चलते उसी रात को उस कारपेंटर की शरीर एक लैंप पोस्ट में लटका हुआ मिला था, मानो उसने खुदकुशी की हो। इस घटने के बाद थॉमस के परिवार ने उस कुर्सी को एक बार के ओनर को बेच दिया। बार के ओनर को भी उस श्राप के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़े ही दिन में बार के ओनर को भी इस बात का अंदाजा हो ही गया था, जब उसे पता चला कि उस कुर्सी में बैठने वाला ग्राहक वापस उस बार में कभी नहीं लौटा। एक दिन बार की साफ सफाई करते वक्त पैर फिसल कर गलती से एक औरत उस कुर्सी पर गिर गई। अगले ही दिन उसी बार में उस सफाई वाले का दिल का दौरा पड़ने के वजह से मौत हो गई। उस घटने के बाद बार के मालिक ने उस कुर्सी को अपने ही बार में एक कोने में बंद कर दिया, ताकि कोई उस पर बैठ न जाए। काफी सालों तक यह कुर्सी यहीं पर थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ सैनिकों ने बार के मालिक से कुर्सी की मांग की, और उस कुर्सी पर एक एक करके सारे सैनिक बैठ गए। उसके कुछ ही दिनों बाद एक यूरोपियन बॉम्बिंग मिशन में उन सारे सैनिकों की मौत हो गई। उसके बाद 1970 में भी काफी लोग इस कुर्सी का शिकार बन गए थे। अब इस कुर्सी को बार में रखना ठीक नहीं, ये सोचकर बार के ओनर के पोते ने 1978 में उस कुर्सी को नॉर्थ यॉर्कशायर के थर्क म्यूजियम को सौंपा दिया। आज भी ये कुर्सी थर्क म्यूजियम में 5 फुट ऊपर रस्सी से लटकाया गया है, ताकि कोई भी गलती से भी इस पर बैठ ना जाए। दोस्तों,
आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि थॉमस के मौत के बाद इस कुर्सी पर 63 लोगों ने अपनी तशरीफ रखी थी। कुछ ही दिनों में उन सारे 63 लोगों की मौत हो गई। 63 लोगों की जान लेने वाला इस कुर्सी को बसबी स्टूप चेयर या डेड मैंस चेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक ही थॉमस के मौत के बाद भी बहुत लोगों ने थॉमस को सैंड होटन क्रॉस रोड्स नाम के इस जगह पर मंडराते हुए देखा है। यह वही जगह है जहाँ पर थॉमस को लटकाया गया था। अगर आप डेड मैन शेयर को देखना चाहते हैं तो थर्क म्यूजियम चले जाना, लेकिन कुर्सी के आसपास जाने के बारे में सोचना भी मत। और भी ऐसे रहस्यमय किस्सों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली बार और भी ऐसे रोमांचक भरी किस्सों के साथ। तब तक खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।